हाई एवरी वन सो वेलकम बैक टू फ्लाई विद्डिंग माई सेल्फ रोहित बिंदल एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट अनदर प्रॉब्लम फ्रॉम ट्रैवर्स एच डी शीट एंड द प्रॉब्लम नेम इज़ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीट ये बेसिकली अरेज टॉपिक की लास्ट प्रॉब्लम है तो वी हैव कॉर्ड ऑल द प्रॉब्स फ्रॉम द अरेज टॉपिक एंड इस प्रॉब्लम के बाद वी विल मूव टू लिंक लिस्ट तो यार अगर बाकी वीडियो नहीं देखिए तो यू कैन चेक इट आउट द प्ले लिस्ट कॉल्ड एज ट्रैवर्स एच डी शीट सोल्यूशन इन दिस पर्टिकुलर चैनल प्रॉब्लम ओर एंड ऑल्सो बिफोर टू द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट फुल स्टे डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय न्यूटन स्कूल सो इफ यू वांट टू लर्न फुल स्टेक डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच देन यू कैन एनरोल फॉर दिस प्रोग्राम वेर यू विल बी लर्निंग फुल स्टेड डवलपमेंट डायरेक्टली फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड ए न्यू बच इन दिस प्रोग्राम इज स्टार्टिंग वेरी सुन सो इफ यू वॉन्ट टू रजिस्टर फॉर दिस पर्टिक्यूलर प्रोग्राम देन द रजिस्ट्रेशन लिंक इज गिवन द डिस्क्रिप्शन बिलो सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट तो इस प्रॉब्लम में यार बेसिकली तुम्हें एक स्ट्रिंग दी हुई है ओके सो फॉर एग्जाम्पल लेट से स्ट्रिंग है ए बी सी ए बी सी ए बी लेट से राइट अब तुम्हें क्या करना है यू हैव टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई भी करेक्टर रिपीट ना हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सब स्ट्रिंग की बात करूँ ए बी सी राइट तो इसमें तुम देख सकते हो यार बी एस सी है तो कोई भी करेक्टर जो रिपीट नहीं हो रहा राइट right. और इस सब स्ट्रिंग की लेंथ है थ्री अब यार इस पूरी स्ट्रिंग में तुम देख सकते हो कि यार थ्री से ज्यादा लेंथ वाली कोई भी सब स्ट्रिंग एग्जिट नहीं करती है जिसके अंदर कोई करेक्टर रिपीट नहीं होगा तो यहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ ये जो सब स्ट्रिंग है ये लॉन्गेस्ट लेंथ वाली सब स्ट्रिंग है तो इस पर्टिकुलर केस का आंसर होगा थ्री राइट right. क्योंकि तुम देख सकते हो अगर मैं इस ए बी सी ए को ले लूँ राइट right. तो इसमें ए बी सी ए है तो यहाँ पे ए रिपीट कर रहा है तो अगर तुम थ्री से ज़्यादा कोई भी लेंथ वाली सब स्ट्रिंग लोगे तो कोई ना कोई करेक्टर रिपीट करेगा राइट तो इस केस में आंसर होगा थ्री तो मुझे यार वही बस लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ रिटर्न करनी है जिसके अंदर कोई भी करेक्टर रिपीट ना हो राइट तो अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं तो यार पहली अप्रोच एकदम ब्रूट फोर्स है कि मैं क्या कर सकता हूँ मैं सारी सब स्ट्रिंग्स चेक करूँगा क्योंकि मुझे फाइनली सब स्ट्रिंग चेक करनी है राइट तो मैं सारी सब स्ट्रिंग्स चेक कर लूँगा एंड लेट्स से मैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग पर हूँ तो मैं देखूँगा कि इसके अंदर कोई करेक्ट रिपीट हो रहा है अगर कोई करेक्ट रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये एक वैलिड सब स्ट्रिंग नहीं है तो इसको मैं चेक नहीं करूँगा और अगर कोई सब स्ट्रिंग अगर वैलिड है यानी अगर उसके अंदर कोई करेक्ट रिपीट नहीं हो रहा तो मैं उसकी लेंथ जो है राइट उसको यार अपने आंसर में कंसिडर करूँगा और मैं तभी कंसिडर करूँगा जब मेरा ऑलरेडी जो एक्जिस्टिंग आंसर है वो उससे ज़्यादा मुझे मिले राइट तो फॉर एग्जाम्पल सारे सब स्ट्रिंग कैसे चेक कर सकता हूँ मैं तो यार मैं पहले ए से स्टार्ट होने वाली सब स्ट्रिंग चेक करूँगा तो मैं बोलूँगा ठीक है यार ए से स्टार्ट होने वाली सब स्ट्रिंग हो सकती है फिर ये हो सकती है फिर ये हो सकती है फिर ये हो सकती है 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 राइट फिर तो मैं बी से वाली बी से स्टार्ट होने वाले चेक करूँगा तो बी से स्टार्ट होने वाली ये हो सकती है ये हो सकती है ये हो सकती है सारी सब स्ट्रिंग चेक करूँगा ठीक है अब लेट से मेरे पास सब स्ट्रिंग आ गई ए बी सी अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ तो मुझे इसकी लेंथ मिलेगी थ्री तो लेट से इनिशियली मैं आंसर रखूंगा जीरो अब क्योंकि यार थ्री जो है वो जो ऑलरेडी जो आंसर मिल चुका है उससे ज़्यादा है तो मैं अपने आंसर को अपडेट कर दूंगा राइट right? तो सारी सब स्ट्रिंग चेक करूंगा तो फाइनली यार जो भी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग वैलिड सब स्ट्रिंग जो मिलेगी उसका आंसर जो मेरे आंसर में अपडेट हो जाएगा और फाइनली आंसर रिटर्न कर दूंगा राइट right? तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ एन है तो मैं एक लूप चला रहा हूँ आई क्वेश्च टू जीरो टू आई लेस देन एन आई प्लस प्लस तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ आई से स्टार्ट होने, होने वाली सब स्ट्रिंग्स अब मैं क्या मैं मैं करूँगा आई से मैं जाऊँगा जे तक तो लेते आई टू जे जो सब स्ट्रिंग है मैं उसको कंसिडर करूँगा राइट तो लूप चलेगा जे कोश टू आई टू जे लेस देन एन जे प्लस प्लस तो यहाँ मैं सारी सब स्ट्रिंग कव कर रहा हूँ और अब यार मेरे पास एक आई टू जे वाली सब स्ट्रिंग है लेट से अगर ये मेरी स्ट्रिंग थी तो मैं कह रहा हूँ लेट से आई अगर यहाँ पे और जे यहाँ पे है। तो मैं इस सब स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ राइट अब मुझे क्या करना है कि फिर इसमें चेक करना है कोई करेक्टर रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ यार एक एक वापस लुप चला सकता हूँ लेट से के इक्व टू आई टू तो के लेस देन इक्वेश टू जे एंड के प्लस प्लस राइट तो बेसिकली मैं इस स्ट्रिंग में एडेड कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ यार मुझे चेक करना है कि कोई करेक्टर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा तो उसके लिए मैं एक मैप रख सकता हूँ ठीक है तो मैं क्या करूँगा कि जब मैं इस बी पे आऊँगा ठीक है तो इस बी को मैं मैप में डालूंगा यार चलो ठीक है बी प्रेजेंट है फिर सी में आऊँगा सी को डालूंगा सी प्रेजेंट है फिर ए पे आऊँगा ए को डालूंगा ए प्रेजेंट है फिर जब मैं वापस बी पे आऊंगा तो मैं देखूंगा यार बी इज ऑलरेडी इन द मैप राइट इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर विंडो में या फिर इस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग में एक करेक्ट ऐसा जो जो रिपीट हो रहा है राइट तो डेफिनेटली ये सब स्ट्रिंग वैलिड नहीं है राइट तो यहाँ पे मैं कोई आंसर कंसीडर नहीं करूँगा तो इसके अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एंड क्यूब राइट right. क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ सब स्ट्रिंग्स होती है अराउंड एन इन टू एन प्लस वन बाई टू राइट अब यार ये कैसे आता है तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर कोई भी तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है ए ब सी डी तो इसमें यार अगर लेंथ लेट्स से यहाँ पे फोर है अगर लेंथ अगर एन है तो अन लेंथ की जो सब स्ट्रिंग होगी वो केवल एक ही होगी राइट अन लेंथ की एक होगी फिर अगर तुम एन माइनस वन लेंथ के देखोगे तो वो दो होगी फिर एन माइनस टू वाली जो होगी वो तीन सब स्ट्रिंग्स होगी और फाइनली अगर तुम एक एक लेंथ वाली सब स्ट्रिंग देखोगे तो अन सब स्ट्रिंग्स होगी राइट right. तो ये जो समय यून टू वन प्लस वन बाई टू आएगा तो, तो टोटल जो सभी स्ट्रिंग्स है मैं बोल सकता हूँ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी राइट जो कि ये लूप कवर कर रहा है एंड फिर मैं हर एक स्ट्रिंग में एटेड कर रहा हूँ ऑर्डर ऑफ एन में राइट और यार अब यहाँ पे मैं ये भी चेक करूँगा कि मैप में ऑलरेडी कोई की प्रेजेंट है या नहीं तो मैप में भी यार वैसे वर्ष केस टाइम जो ऑर्डर ऑफ एन होता है जब पॉलिसन ज़्यादा हो रहे होते हैं पर मैं कह सकता हूँ कि यार हैशिंग में ऑन एन ऑन एन एवरेज सर्चिंग जो होती है वो कॉन्स्टेंट होती है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सी है ऑर्डर ऑफ एन क्यूब होगी राइट अब इंटरव्यू डेफिनेटली बोलेगा इसको करो ऑप्टिमाइज़ ठीक है तो अब देखते हैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं चलो तो अब मैं क्या कर सकता हूँ चलो ठीक है मैं सारी सब स्ट्रिंग कवर करूँगा यार यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सारी स्ट्रिंग जो भी एक सब स्ट्रिंग मिल रही है उसको मैं ऑडेट कर रहा हूँ राइट तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से अगर मुझे आई टू जे एक सब स्ट्रिंग मिलती है तो मैंने क्या किया मैंने आई टू जे को पूरा ऑडिटेट किया फिर लेट से मुझे आई अब जे आगे बढ़ेगा तो लेट से मुझे अब आई टू जे प्लस वन वाली सब स्ट्रिंग मिलती है तो मैं क्या कर रहा हूँ वापस आई टू जे प्लस वन तक एडेट कर रहा हूँ राइट तो ये बेसिकली आई टू जो जे वाला रिपिटेशन है मैं बार बार कर रहा हूँ राइट तो इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर मेरे पास स्ट्रिंग है ए बी सी ए ए बी अब लेट से कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ सी से तो मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट से मेरा आई सी पे है ठीक है तो मैं कह रहा हूँ कि अब जे अगर मैं जे में आई से स्टार्ट करूँगा तो इनिशियली जे होगा सी पे तो इसका मतलब क्या है कि आई टू जे वाली सब स्ट्रिंग मैंने कंसिडर कर लिया तो अभी मेरी जो सब स्ट्रिंग है उसमें सी आया क्या तो मैं क्या करूँगा जब मैंने इसको सी इस सीरीज में मैंने डाला तो इनिशियली मैं चेक कर चेक कर करूँगा कि मेरा मैप में ये सी है मैंने देखा यार मैप में सी नहीं है इसका मतलब अभी तक आई टू जे जो मैंने सभी स्ट्रिंग कंसिडर करी है उसके अंदर सी नहीं आया था पर अभी आया तो अब मैं इसको मैप में डालूंगा यार अब आ चुका है ठीक है अब मैं क्या करूँगा अब जब जे को मैं आगे बढ़ाऊँगा राइट तो मुझे पता है कि जो पहले सभी स्ट्रिंग मुझे मिली थी अब उसमें बस मैं ए को वेड कर रहा हूँ राइट तो मैं देख कि यार आई टू जे वैलिड होगा तो मैं क्या देखूँगा क्या ए जो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है नहीं यार ए इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो मैं कहूँगा चलो ठीक है ए को मैं ला सकता हूँ यहाँ पे ए भी आ जाएगा इसका मतलब अभी आई टू जे जो वैलिड है फिर मैं वापस इसको बढ़ाऊंगा अब जब ये यहाँ पे आएगा तब तो मुझे पता चलेगा यार ए जो है ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है कि ए जो है ऑलरेडी तुमने जो एक स्ट्रिंग ली थी सब स्ट्रिंग ली थी उसमें प्रेजेंट था राइट तो अब यहाँ पे यार ए पे जब आऊँगा तो मुझे इस पूरे ऑडिडेट नहीं करना पड़ेगा ऑलरेडी मुझे मैप में पता होगा राइट मुझे ऑलरेडी मैप में पता होगा तो ये जो के वाला लूप है जो कि मैं बार बार पूरी स्ट्रिंग ऑडिट करके चेक कर रहा हूँ मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी राइट तो अब अगर इस लूप को हटा दू मैं तो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि जेथ करेक्टर को जब मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी सब स्ट्रिंग में तो उसी टाइम मैं चेक कर ले रहा हूँ कि यार इस करेक्टर को ऐड करने के बाद क्या अब इसमें कोई रिपीटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है राइट तो उसके लिए मेरे पास एक मैप रहेगा तो उस मैप को मैं यही बना लूँगा राइट तो अब यहाँ पे क्या होगा तो अब मैं केवल एक करेक्टर के लिए चेक कर रहा करूँ तो ऑफ़ वन टाइम जाएगा ये काम राइट तो मुझे बेसिकली अब आगे जो है ये वाला लूप नहीं चलाना पड़ेगा और अब जो टाइम लगेगा वो होगा हो ऑर्डर ऑफ़ एन स्क्वायर ठीक है तो यार ये दोनों तो बेसिक अप्रोचेस थी ओके जो आई होप कि तुम खुद भी कर सकते हो बट मैंने यार अगर बता दिया सो दैट थिंग्स क्लियर रहे अब यार इंटरव्यू तुम्हें बोलेगा कि इसको तुम्हें करना है और ऑर्डर ऑफ एन में राइट right. तो अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ एन में कैसे कर सकते हैं तो यार अगर यहाँ पे तुम देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास लेट से ये स्ट्रिंग है ए बी सी ए बी अगर ये स्ट्रिंग है तो मुझे क्या करना है मुझे बेसिकली एक लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालनी है एक लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालनी है जिसके अंदर कोई भी करेक्टर रिपीट ना हो राइट right. तो इसको मैं से बोल सकता हूँ कि मुझे एक लॉन्गेस्ट विंडो चाहिए राइट right. तो यहाँ पर यार मैं स्लाइडिंग विंडो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा और यार स्लाइडिंग विंडो जो होती है उसमें भी दो तरीके दो तरीके की टेक्निक होती है एक होती है जिसमें स्लाइडिंग विंडो जो होती है उसकी लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है और एक होती है जिसमें स्लाइडिंग विंडो की लेंथ जो वेरी कर सकती है यानी वेरिएबल लेंथ वाली जो स्लाइडिंग विंडो होती है तो यार ये या जो प्रॉब्लम है ये वेरिएबल लेंथ वाली स्लाइडिंग विंडो के अंडर आती है क्यों क्योंकि यहाँ पे यार क्योंकि लॉन्गेस्ट पूछा तो हो सकता है कि तो मुझे यहाँ पे सारी जो साइज है विंडो है वो चेक करनी पड़ेगी यानी मुझे दो साइज वाली विंडो भी चेक करनी पड़ेगी मुझे चार साइज वाली विंडो भी चेक करनी पड़ेगी तो यहाँ पे विंडो की साइज फिक्स नहीं है मुझे लॉन्गेस्ट विंडो पॉसिबल निकालनी है राइट और फिक्स वाले में यार कुछ ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें एक के लेंथ की मैक्सिमम विंडो निकालनी है राइट जिसमें जिसकी लेंथ के हो और जिसके अंदर कुछ ऑप्टिमाइजेशन हो दे देंगे यार चलो तो ठीक है इसका सम है लेट से के लेंथ वाली जो विंडो है जिसका सम जो ग्रेटर देन के होना चाहिए या ग्रेटर देन एल होना चाहिए लेट से ठीक है तो यहाँ पे कहता है कि लेंथ फिक्स हो जाती है विंडो की राइट बट इन दिस केस लेंथ ऑफ द विंडो इज़ नॉट फिक्सड तो यहाँ पे यार वेरिएबल लेंथ की विंडो हो सकती है तो मैं क्या करूँगा मैं क्या करूँगा मैं हर एक विंडो को कंसिडर करूँगा ठीक है एंड लेट से मैं कोई विंडो ले रहा हूँ तो लेट से इस विंडो का जो स्टार्टिंग पॉइंट उसको मैं बोलूँगा लेफ्ट और इसका जो एंडिंग पॉइंट है उसको मैं बोलूँगा राइट right. ठीक है अब मैं क्या करूँगा कि यार मुझे पता है कि मुझे बेसिकली वो विंडो चाहिए जिसके अंदर कोई करैक्टर रिपीट ना हो तो अगर कोई एक लेंथ की विंडो है यानी जिसके अंदर एक ही करेक्ट है तो डेफिनेटली यार इसमें तो कुछ रिपीट रिपीटेशन होगा ही नहीं राइट तो मैं क्या करूँगा लेफ्ट को रखूँगा स्टार्टिंग पे और राइट को भी रखूँगा स्टार्टिंग पे तो मैं लेफ्ट टू राइट वाली विंडो कंसिडर कर रहा हूँ तो अभी मेरी विंडो बस इतनी सी है ठीक है अब मैं क्या करूँगा अब मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है लेफ्ट टू राइट ये विंडो है तो मैं क्या करूँगा कि इस लेफ्ट को तो ये रखूँगा इस राइट को आगे मूव करूँगा तो मैं देखूंगा कि अगर मैं इस ए से स्टार्ट करूँ सभी स्ट्रीन को तो मैं इस विंडो को कितना लंबा ले जा सकता हूँ कितना आगे तक ले जा सकता हूँ राइट right. तो अब मैं क्या करूँगा कि चलो ठीक है इनिशियली मुझे ए मिला तो लेट से मैं एक सेट रख लेता हूँ एक सेट रख लेता हूँ ठीक है मैं मैप भी रख सकता हूँ सेट रख सकता हूँ कुछ भी रख सकता हूँ तो लेट से मैंने एक सेट रख लिया अब मैं देखूंगा यार चलो ठीक है ये ए के इस मैप इस सेट में प्रेजेंट है ये इसमें प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब अभी इस पर्टिकुलर विंडो में ये ये जो करेक्टर है फर्स्ट टाइम आया ठीक है तो मैं कहूँगा ये एक वैलिड विंडो है तो इस अब ए को मैं सेट में डालूंगा अब इस राइट right को मैं आगे बढ़ाऊंगा क्या बी जो है वो सेट रिप्रेजेंट है नहीं है इसका मतलब इस विंडो में लेफ्ट टू राइट वाली विंडो में बी पहली बार आया तो इस बी को मैं यहाँ डालूंगा कि चलो ठीक है बी भी आ चुका है जिस करंट विंडो को मैं कंसिडर कर रहा हूँ उस विंडो में फिर मैं यार सी पे आऊँगा राइट राइट आएगा सी पे अब सी को यार यहाँ डालूंगा अब देखो अब जब राइट आएगा इस ए पे तो मैं कह रहा हूँ कि ए इज देर ऑलरेडी इन द सेट इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी तुमने जब लेफ्ट टू राइट जो तुमने विंडो कंसिडर करी है इसके अंदर पहले से ए आ चुका था और अब ए जो वापस आया इसका मतलब क्या है कि अब जो तुम लेफ्ट टू राइट विंडो कंसिडर कर रहे हो इसमें जो ए है ये रिपीट हो रहा है राइट right, पर मुझे क्या दिया था रिपीट नहीं होना चाहिए और एक और है यार जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेफ्ट राइट right को जब बढ़ाऊंगा जब तक मेरी जो विंडो रहेगी वो वैलिड रहेगी फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एटी यहाँ तक मेरी विंडो वैलिड थी राइट right, तो मैं हर पॉइंट पर क्या करूँगा कि विंडो की लेंथ जो है इसको मैक्सिमम आंसर से अपडेट करता जाऊँगा तो विंडो की लेंथ क्या होगी राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जीरो वन टू तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगी टू माइनस जीरो प्लस वन व्री तो यहाँ पर देख सकते हो थ्री है और जो जो भी मेरा आंसर होगा फाइनल उसको मैं जो अपडेट करता जाऊँगा हर पॉइंट पे आंसर ऑफ मैक्सिमम एंड द राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन राइट राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन तो आंसर को मैं अपडेट करता जाऊंगा और फाइनली यार जहाँ पर भी मुझे लॉन्गेस्ट वैलिड विंडो मिलेगी तो मेरा आंसर जो है वहाँ अपडेट हो चुका होगा राइट right. अब देखना क्या करेंगे तो अब मैं कह रहा हूँ कि यार अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे ये ए आया इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस ए से स्टार्ट होने वाली विंडोज़ को चेक करूँ तो ये जो विंडो है ये मैक्सिमम जो है सेकंड इंडेक्स तक ही जा सकती है अगर तुम इसके आगे ले जाओगे तो फिर एक करेक्ट ऐसा आ जाएगा जो इस विंडो में रिपीट होगा राइट तुम तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर राइट जो है वो इस इंडेक्स थ्री पर आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि अब जो लेफ़्ट है राइट right, ये इस ए का, का काम हो चुका है राइट right, क्यों क्योंकि इस ए के लिए मैं सी तक ही जा, जा सकता था इसके बाद जैसे ही आगे जा रहा हूँ तो करेक्ट रिपीट हो जा रहा है तो अब मैं इस लेफ्ट को बढ़ाऊंगा ठीक है और लेफ्ट को बढ़ाने से पहले मैं क्या करूँगा ये जो ए है राइट right, क्योंकि अब इस लेफ्ट को बढ़ाने का मतलब क्या है ये जो ए है इसको मैं अपनी विंडो से बाहर निकाल रहा हूँ तो इस ए को मैं सेट से बाहर निकालूंगा राइट <laughs> तो अब मेरा जो लेफ्ट है ठीक है तो मेरी स्ट्रिंग कुछ ऐसी है ए बी सी ए बी सी एन ए राइट तो अब जो मेरा लेफ्ट है वो आ चुका है बी पे क्योंकि एक को मैंने विंडो से बाहर निकाल दिया तो मैंने सेट से भी बाहर निकाल दिया और मेरा राइट था यहाँ पे राइट तो अब मैं देखूंगा क्या अभी भी ए जो है इसके अंदर है नहीं यार अब इसके अंदर ए नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि अब जो मैंने विंडो कंसिडर करी है इसके अंदर ए नहीं है इसके अंदर मतलब ए पहले नहीं था राइट तो इसका मतलब ये जो विंडो एक वैलिड विंडो है राइट तो ठीक है यहाँ पे आंसर इसका थ्री होगा तो मेरा आंसर जो अपडेट हो जाएगा थ्री से अब मैं इस राइट को वापस आगे ले जाऊँगा और आगे ले जाने से पहले इस ए को डाल दूंगा यहाँ पे कि चलो ठीक है मुझे ए मिल चुका है अब अब जब मैं इस बी पे आऊँगा वापस मैं देखूँगा यार बी तो ऑलरेडी यहाँ पे है, इसका मतलब इस लेफ्ट को मैं बढ़ाऊंगा ठीक है इस लेफ्ट को बढ़ाऊँगा इस बी को निकाल निकालूंगा अब मैं चेक करूँगा क्या अभी भी बी इसमें है नीयर अभी इसमें बी नहीं है राइट इसका मतलब क्या है कि अब ये जो सी ए बी वाली है तो सी पे लेफ्ट है सी पे लेफ्ट है एंड जो बी है इसमें मेरा राइट है तो मैं कहूँगा चलो ठीक है सी ए बी जो एक वैलिड स्ट्रिंग है सब स्ट्रिंग है तो ठीक है ये एक वैलिड सब स्ट्रिंग है अब मैं क्या करूँगा इस राइट को आगे बढ़ाऊंगा हमें देखूंगा यार चलो ठीक है सी से स्टार्ट होने में और कितना आगे तक मैं जा सकता हूँ तो अब मैं जैसे राइट को आगे बढ़ाऊंगा तो अगेन मैं देखूंगा यार सी तो यार सी तो ऑलरेडी इस विंडो में था तो यहाँ पे मैंने यार सी को डाला नहीं तो सी आएगा तो मैं यार सी तो ऑलरेडी विंडो में था तो यार सेट तो तो में तो यार C तो देखूंगा सी ऑलरेडी देर इसका मतलब यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो अब अगेन लेफ्ट को बढ़ाऊंगा राइट तो बस यार ये करता करता जाऊंगा जहाँ पे वैलिड वेल, मुझे विंडो मिलेगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा आंसर अपडेट होता जाएगा एंड जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉन्गेस्ट विंडो मिलेगी तो मेरा आंसर जो लॉन्गेस्ट विंडो की जो लेंथ होगी उससे अपडेट हो जाएगा एंड फाइनली आंसर मुझे मिल जाएगा राइट तो यार इसको मैं ड्राई रन करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा तो अब इसमें क्या हुआ तो यहाँ पे चलो ठीक है मुझे आंसर मिल गया पर यहाँ पे यार एक प्रॉब्लम है ठीक है प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मैं रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर मेरे पास स्ट्रिंग ऐसी होती ए बी सी एंड देन लेट से डी ई ई तो मैं क्या करता कि इनिशियली लेफ्ट को यहाँ रखता और फिर यार राइट को मैं यहाँ रखता अब राइट को मैं आगे ले जाता तो राइट को जब मैं बी पे लाता तो तो क्या होता है कि यार चलो ठीक है ए बी जो है अभी तक कोई भी करेक्टर रिपीट नहीं है तो एकदम वैलिड है फिर मैं सी पे ले जाता फिर डी पे ले जाता फिर ई पे ले जाता फिर यार जब मैं इस ई पे लाता राइट को ठीक है तब मुझे पता चलता है कि मैप में जो है ऑलरेडी ई है मैप में ऑलरेडी ई रखा हुआ है और यहाँ पे ई e जो वापस आ गया तो इसका मतलब क्या है कि यार इस एल को मुझे बढ़ाना पड़ेगा इसका मतलब यहाँ कि इस ए से जो है लॉन्गेस्ट में यहीं तक जा सकता था राइट इस ई e के आगे जाते है जो है एक करेक्टर ऐसा आ रहा है जो रिपीट हो रहा है तो अब मैं इस लेफ्ट को बढ़ाऊंगा अब इस लेफ्ट को मैं कब तक बढ़ाऊंगा इस लेफ्ट को मैं तब तक बढ़ाऊँगा जब तक लेफ्ट टू राइट वाली जो विंडो है उसमें करेक्टर जो है वो नॉन रिपीटिंग ना हो तो अब देखो क्या होगा अब जब मैं इस लेफ्ट को बढ़ाऊंगा तो यार यहाँ पे ए निकलेगा क्योंकि मैंने इस विंडो से ए को निकाला है ई तो अभी भी है तो मैं देखूंगा क्या ये जो ई है क्या अभी भी इसमें है। हाँ यार ये तो अभी भी है तो फिर लेफ्ट को वापस बढ़ाऊंगा मैं बोलूंगा यार इसका मतलब बी से जो लॉन्गेस्ट जा सकती है वो वही यहीं तक ही जा सकती है क्योंकि अगेन ई आ रहा है तो रिपीट हो रहा है फिर मैं सी को बढ़ाऊँ सी पे आऊँगा ठीक है और यहाँ पे आने से पहले बी को निकाल निकालूंगा अब मैं देखूँगा अभी भी ई है हाँ यार अभी भी ई है तो मैं कहूँगा यार अभी भी मुझे इसको लेफ्ट को बढ़ाना पड़ेगा तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर डी पे जब आएगा तो मैं सी को निकाल दूंगा राइट फिर मैं देखूंगा अभी भी यार मैप में ई है तो फिर मैं इसको वापस लेफ्ट को बढ़ाऊंगा फिर डी को निकाल निकालूंगा मैं देख रहा हूँ यार अभी भी जो राइट पे जो बंदा है ये अभी भी मैप में प्रेजेंट है इसका मतलब यार इस ई e से भी अगर तुम स्टार्ट करोगे ना तो केवल इस ई तक ही जा सकते हो इसके आगे जाते हैं करेक्टर रिपीट हो रहा है राइट तो फिर मैं क्या करूँगा इस वापस लेफ्ट को बढ़ाऊँगा और अब जब मैं लेफ्ट को उड़ाऊँगा तो अब मैं देखूंगा यार अभी मैप में नहीं है इसका मतलब अब ये एक वैलिड विंडो है तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ कि जब कोई करेक्टर जो था वो इस मैप में था तो इस लेफ्ट को तुम्हें पूरा आइटेट करना पड़ा तो इन वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि हर करेक्टर जो है वो दो बार एटेट हो रहा है कैसे कि पहले तो यार आर आर आया था उन करेक्टर पे आर आ रहा था और उसके बाद क्या हो रहा था कि हर हर करेक्टर क्या आ रहा है एल आ रहा है तो हर करेक्टर दो बार एटेट हो रहा है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्टी ऑर्डर ऑफ टू वन है एड इन वर्स्ट केस तो अब यार इंटरव्यू तो में बोल सकता है कि तुम्हें इसको ऑर्डर ऑफ एन में करना है राइट ये जो लेफ्ट है ना इसको तुम ये जो मैनुअली एक एक करके बढ़ा रहे हो राइट इसको भी यार इससे तुम्हें बेसिकली इससे भी तुम्हें बेसिकली छुटकारा चाहिए ठीक है तो ये अपन कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करो तो मुझे करना क्या है इस लेफ्ट को मुझे कहाँ ले जाना है तो मुझे पता है कि यार करेक्टर जो है वो इनिशियल यहाँ पे आर ई आया राइट ई आया तो इसका मतलब मुझे प्रॉब्लम जो इस ई थी ई से थी प्रॉब्लम मुझे ई से थी तो मुझे पता है कि लेफ्ट को मुझे तब तक बढ़ाना पड़ेगा जब तक इस मैप में जो ऑलरेडी ई प्रेजेंट है ये निकलना जाए राइट तो अगर मुझे अगर मुझे जो लास्ट ई e था जो कि इस विंडो में आया था उसका अगर इंडेक्स पता हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जीरो वन टू थ्री फोर इसका इंडेक्स फोर है तो मैं कह रहा हूँ जो लास्ट ई आया था इस विंडो में लेफ्ट को मैं क्या करूंगा उस इंडेक्स प्लस वन पे ले जाऊंगा सीधा ठीक है क्योंकि क्यों क्योंकि जब तक लास्ट ई e जो है इस पर तुम नहीं आओगे तब तक ये ई e निकलेगा नहीं राइट अगर तुम इससे पहले लेट से यहाँ पे कहीं आते हो तो ये ई e तो अभी भी रखा है और तुम इस ई e के लिए तो चेक कर रहे हो तो लास्ट ई e जो है वो तब निकलेगा जब उससे पहले वाले सारे करेक्टर तुम रि रिमूव करो राइट तो मैं क्या करूँगा इस एल को डायरेक्टली लास्ट ई का जो इंडेक्स है यानी लास्ट जो इस पर्टिकुलर ई e का जो इंडेक्स है प्लस वन पे ले आऊँगा राइट तो अब क्या होगा कि लेफ्ट जो डायरेक्टली जम करके आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि पहले मैं क्या कर रहा था जब मैं लेफ्ट को एक एक करके आगे ले जा रहा था राइट तो मैं क्या कर रहा था कि हर एक करेक्टर को रिमूव कर दे रहा था पर अभी क्या होगा कि क्योंकि मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ अच्छा यार डायरेक्ट जंप कैसे करूँगा तो यार मैं जो जब भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे आऊँगा तो मैं क्या करूँगा एक मैप रखूँगा और इस मैप में यार हर एक बंदे का इंडेक्स डालता जाऊँगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए आया तो मैं बोलूँगा ठीक है ए आ चुका है और जीरो इंडेक्स पे आया था ठीक है तो ऐसे यार सारे इंडेक्स डालूंगा तो इस मैप से मुझे पता चल जाएगा कि ई में जो है लास्ट बंदा जो है फोर्थ इंडेक्स पे आया था तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि लास्ट इंडेक्स क्या था वो कैसे मिलेगा वो भी देखेंगे राइट right. पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अब इन बंदों को मैं नहीं निकाल रहा हूँ राइट right. तो ये बंदे जो हम मैप में रहेंगे ठीक है तो इन बंदों के यार इन बंदों से प्रॉब्लम क्या हो सकती है तो मान लो अगर मेरी स्ट्रिंग होती ए बी बी ए राइट तो मैं क्या कर रहा हूँ अब देखना ध्यान से अपन ड्राई रन करेंगे और समझेंगे ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ मैंने कहा इनिशियली लेफ्ट यहाँ पे, पे इसको मैं एल बोलता हूँ राइट भी यहाँ पे जिसको मैं आर बोलता हूँ और से मेरे पास एक मैप है जिसमें मैं हर एक बंदे का इंडेक्स रखूंगा ठीक है मैं देखूँगा क्या आयत पोजीशन पर जो करेक्टर है क्या वो इस मैप में है नहीं है इसका मतलब अभी जो अल्टू आर तुमने विंडो कंसीडर करी है वो एक वैलिड विंडो है जिसकी लेंथ वन है तो आंसर मेरा वन हो जाएगा क्योंकि इनिशली आंसर जीरो था अभी मुझे वन लेंथ की मिल चुकी है और अब मैं क्या करूँगा ए को डालूंगा इसका इंडेक्स डालूंगा और इस आर को बढ़ाऊंगा ठीक है अब मैं क्या कहूँगा इस आर को आगे ले जाऊँगा तो मैं कहूँगा मेरा जो आर है वो आ जाएगा राइट अब मैं क्या देखूँगा आरत जो बंदा है क्या वो ऑलरेडी मैप में है नहीं ऑलरेडी मैप में नहीं है तो इसका मतलब क्या है अभी जो एल टू आर वाली विंडो है उसमें कोई भी करेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है तो अभी मैं क्या करूँगा इस बी को भी यहाँ पर डालूंगा इसका इंडेक्स के साथ और अभी जो है लेंथ हो चुकी है टू तो यहाँ पर मैं अपडेट कर दूँगा आंसर को टू से ठीक है अब मैं बढ़ाऊंगा आर को वापस तो अभी मैं क्या करूँगा इसको इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा तो लेट्स ये बी था ये बी था और अब मेरा आर आ जाएगा यहाँ पर ठीक है अब देखो अब मैं कह रहा हूँ कि क्या आरत करेक्टर ऑलरेडी मैप में है हाँ यार ऑलरेडी मैप में है तो अभी क्या होगा इसका मतलब क्या था कि जो एल से तुम आर ले जा रहे थे तो मैं कह रहा हूँ कि एल से जो मैक्सिमम तुम आगे तक ले जा सकते थे वो यहीं तक था इसके बाद जब तुम आगे ले जा रहे हो तो तुम्हारा करैक्टर जो रिपीट हो रहा है विंडो के अंदर तो अब मुझे क्या करना है अब मुझे एल को आगे ले जाना है और एल को मैं कहाँ ले जाऊँगा तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम है इस करेक्टर से तो ये करेक्टर लास्ट कब आया था फर्स्ट इंडेक्स पे तो इस लेट से कि मैंने एल को अपडेट कर दिया इसका इंडेक्स ओके तो इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि लेट से अगर ये मेरा मैप है लेट से इसको मैं बोलता हूँ एम पी तो मैं कह रहा हूँ एम पी ऑफ और लेट से स्ट्रिंग जो है ये ऐस है तो मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग ऑफ आर राइट right? ये वाला इंडेक्स प्लस वन इसका क्या मतलब है तो मैं कह रहा हूँ कि एम पी ऑफ एस ओफ आर तो एस ऑफ आर क्या है इट इज़ बी राइट मुझे क्योंकि कि बी से प्रॉब्लम है तो मैं कह रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि बी जो लास्ट कब आया था तो मैं कह रहा हूँ एम पी ऑफ एस ऑफ आर जो है वो मुझे लास्ट बी कब आया था उसका इंडेक्स दे देगा और इसमें प्लस वन कर दूंगा तो इस लास्ट वाले बी से एल जो आगे आ जाएगा तो एल इससे अपडेट हो जाएगा राइट right? पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं तो अब मैं कह रहा हूँ कि एल जो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया और इनको मैंने रिमूव नहीं किया ये अभी भी मैप में रखे हुए हैं ठीक है तो अब मैं कह रहा हूँ कि अभी जो अब एल टू आर जो मेरी विंडो है ये एक वैलिड विंडो है पर इसकी लेंथ वन है और मुझे ऑलरेडी टू लेंथ की विंडो मिल चुकी है तो अभी आंसर अपडेट नहीं होगा तो मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है तो भी बढ़ो आर को वापस आ गया तो आर आ गया ए पे ठीक है और यहाँ पे मैं इस बी का इंडेक्स जो है इसको अपडेट कर दूंगा इसको मैं कर दूंगा टू क्योंकि मुझे बी जो है यहाँ पे मिल चुका है तो इसका इंडेक्स जो है टू से अपडेट हो जाएगा तो ये बताएगा कि लास्ट बी मुझे सेकंड इंडेक्स पे मिला था अब आर आ चुका है यहाँ पे अब मैं अब देखो यहाँ पे क्या होगा अब मैं देखूँगा क्या ए जो है क्या ये ऑलरेडी इस में प्रेजेंट हाँ यार प्रेजेंट है लेकिन अगर तुम एल से आर वाली जो विंडो देखोगे राइट इसमें जो पहले जो कहीं भी ए प्रेजेंट नहीं था यहाँ पे ए जो एक ए की बार आ रहा है तो इसमें जो ऑलरेडी ए प्रेजेंट है ये एक्चुअली पहले जो तुमने रख दिया था वही अभी तक प्रेजेंट है राइट right? तो इस केस में अगर जब ऑलरेडी प्रेजेंट है और अगर तुम एल को जो है इससे अपडेट करोगे तो तुम करोगे यार इसका इंडेक्स विच इज जीरो प्लस वन तुम तो तुम क्या करोगे एल को जो है वापस वन पे ले जाओगे यानी एल को तुम वापस पीछे ले आए राइट तो बस यहाँ पे मुझे बस इसी चीज़ को कवर करना है तो मैं क्या करूँगा जब इस एल को अपडेट करूँगा तो इसको मैं ऐसे अपडेट करूँगा मैक्स ऑफ मैक्स ऑफ दिस वैल्यू लेट्स ए वैल्यू है एंड एल राइट ऐसे में क्यों कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये वैल्यू एल से छोटी है ठीक है तो मुझे पता है एल को मुझे वापस लेफ्ट तो ले जाना नहीं है इसका मतलब क्या हुआ अगर छोटी आ रही है इसका मतलब जो जो तुम बोल रहे हो कि ऑलरेडी मैप में है ये एक्चुअली मैप में तो है पर ये इस विंडो में नहीं है राइट ये एक्चुअली पहले आया होगा कहीं पे तो मैंने मैप में डाला होगा पर जो मेरी करंट विंडो है उसमें ये नहीं है अगर करंट विंडो में ये होता तो इसका जो इंडेक्स होता है करंट विंडो के अंदर ही होता राइट तो अभी अगर लास्ट मॉडिफाइड जो है वो अगर लास्ट इसका जो इंडेक्स है वो जीरो है इसका मतलब क्या है और मेरी विंडो में तो ये है नहीं तो जब मैं इसको अपडेट करूँगा तो ये बोलेगा एल को पीछे ले जाने के लिए इसका मतलब क्या है कि इस विंडो में ये एग्जिस्ट नहीं करता जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो राइट right? तो यहाँ पे अगर मैं ये करता तो एल की वैल्यू आ जाती वन और एल जो पीछे चला जाता ठीक है तो अब यहाँ पे एक्चुअली इनको मैंने रिमूव नहीं किया तो इसकी वजह से बस ये प्रॉब्लम आ सकती है तो उसको मैं ऐसे हेंडल कर सकता हूँ right? राइट तो अब अगर मैं मैक्स ऑफ बेसिकली वैल्यू आ रही थी वन और एल की वैल्यू व्यवहार टू है तो अब जो एल ओ टू पे रहेगा राइट तो एल यहीं पर रहेगा और आर भी यहीं पर रहेगा तो अभी तुम देख सकते हो ये ये विंडो एक वेलीडे रहेंगे लेंथ टू और यहाँ पे आंसर का लेंथ आंसर ऑलरेडी टू है तो यहाँ पे अपडेट नहीं होगा और फिर यार आठ जब आगे चला जाएगा तो पूरी स्ट्रिंग कवर हो चुकी होगी और फाइनली जो आंसर होगा इसमें मेरा मैक्सिमम आंसर होगा मैक्सिमम बेसिकली जो भी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग मुझे मिली उसका आंसर प्रेजेंट होगा उसकी लेंथ प्रेजेंट होगी राइट तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ए बी राइट ये एक सब स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ टू है एंड इसमें कोई भी करेक्ट रिपीट नहीं हो रहा राइट तो यहाँ पे अब मुझे जो है ये मिल जाएगा और यहाँ पे मुझे लेफ्ट को जो है मैनुअली एक एक करके आगे नहीं ले जाना पड़ेगा तो अभी लेट से अगर मेरे पास ऐसा होता है ए बी डी ई एंड देन ए तो अभी यहाँ पे क्या होगा जब लेफ्ट यहाँ पे आएगा राइट जब राइट यहाँ पे आएगा और लेफ्ट यहाँ रहेगा तो उस टाइम यार इस ए का जो लास्ट इंडेक्स होगा वो ये वाला होगा जीरो वन टू थ्री फोर और मैं क्या करूँगा फोर प्लस वन तो एल को जो है डायरेक्टली यहाँ पे लाऊंगा तो मुझे सारा एड्रेस नहीं करना पड़ेगा तो अब जो टाइम होगा वो ऑफ एन ही होगा हर करेक्टर को जरूर नहीं है कि मैं दो बार आइटेट करूँ ठीक है और यहाँ पे अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ एन होगा क्योंकि मैं, मैं मैप यूज़ कर रहा हूँ हर एक बंदे का इंडेक्स स्टोर करने के लिए एंड यार यहाँ पे अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैप में सर्च करने के लिए कि भाई किस बंदे का इंडेक्स क्या है उसके लिए भी यार वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन जा सकता है अगर नंबर ऑफ कॉलेजेंस ज़्यादा है बट अपने मानते हैं कि हैशिंग जो है उसमें सर्चिंग कॉन्स्टेंट होती है तो ऑन एन एवरेज ऑफ वन में सर्चिंग होती है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ़ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन राइट तो बस यार यही थी प्रॉब्लम अब अपने एक बार इसका कोड देख लेते हैं सो दैट थिंग्स जो और क्लियर हो जाएगी तो देखो इनिशियली मैंने क्या किया इनिशियली मैंने क्या किया कि स्ट्रिंग जो भी साइज़ है उसको एन में ले लिया अब मैं एक मैंने एन ऑर्डर में बनाया जो कि करैक्टर कोमा इंट है तो बेसिकली हर करैक्टर का मैं जो भी इंडेक्स मुझे मिलेगा उसको मैं इसमें मैप में डालूंगा अब इनिशियली यार मैंने कहा था कि अपन विंडो वन लेंथ की स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट भी जीरो पे राइट right भी जीरो पे और इनिशियली आंसर को मैंने जीरो लिया अब जब तक राइट right लेस देन आया है यानी जब तक पूरी स्ट्रिंग कवर ना हो जाए तब तक मैं राइट right को आगे मूव करूँगा ठीक है अब मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि राइट right जिस करेरेक्टर पर आ रहा है मैं देख रहा हूँ क्या वो करेक्टर ऑलरेडी मैप में है तो अगर वो ऑलरेडी मैप में है इसका मतलब कि अगर मैप डॉट फाइंड एस ऑफ राइट जो अगर ये मैप डॉट एंड के इक्वल नहीं है इसका मतलब कि जो राइट पोजीशन पर स्ट्रिंग के अंदर जो करेक्टर है राइट वो ऑलरेडी मेरे मैप में आ चुका है तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट को मुझे करना है अपडेट क्योंकि अभी जो तुम विंडो कंसीडर कर रहे हो उसमें कोई करेक्ट हो सकता है रिपीट हो रहा हो ठीक है तो अब यहाँ पे मैंने कहा था अपन अपडेट करेंगे इसको एम पी ऑफ एस ऑफ राइट प्लस वन एंड लेफ्ट इन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा राइट ऐसा क्यों करेंगे तो मैंने एक एग्जाम्पल लेकर समझा दिया ठीक है अब इसको मैंने अपडेट कर दिया और अब मैं क्या करूँगा अब मुझे पता है कि राइट right आ चुका है ठीक है तो इस अब मैं राइट right को जब आगे बढ़ाऊंगा उसको आगे बढ़ाने से पहले क्या करूँगा क्योंकि राइट पर जो करेक्टर है राइट उसका जो इंडेक्स होगा उसको मैप में डाल दूँगा तो मैंने मैप में डाल दिया मैं कह रहा हूँ एम पी ऑफ एस ऑफ राइट टू राइट एंड आंसर जो होगा क्योंकि अभी जो एल टू आर लेफ्ट टू राइट जो भी मेरी विंडो है वो एक वैलिड विंडो है तो यहाँ मैं जो आंसर आंसर होगा उसको अपडेट कर दूंगा तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन एंड आंसर से अपडेट हो जाएगा एंड फिर फाइनली मैं राइट right को आगे ले जाऊंगा तो राइट प्लस प्लस कर दूंगा राइट right? तो बस यार ये या लूप चलेगा जो भी लूंगा सब सब स्ट्रिंग होगी उसकी जो भी लेंथ होगी वो मुझे आंसर में मिल जाएगा एंड उस आंसर में कर दूंगा रिटर्न राइट right? तो बस यार ये थी प्रॉब्लम दैट्स इट फॉर दिस वीडियो तो आई होप यू अंडरस्टूड इट बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कॉमेंट्स आई विल भी डेफिनेटली मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस So that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.